नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर सरोज। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में सब ठीक होंगे। तो आज जो है ब्लॉग मैंने शुरू किया है दिन से, और यहाँ पे मैं कर रही थी स्टिचिंग। तो मैंने अभी ब्लॉग जो है शुरू नहीं किया था, तो मैंने सोचा अभी जो है ब्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है शर्ट और इसका गला मैंने ऐसे बनाया है। तो शर्ट तो मैक्सिमम मतलब रेडी हो ही गई है, सिर्फ इसका जो है बैक वाला ये रहता है गला बनाने को, और फिर उसके बाद करूंगी मैं सलवार स्टिच। तो अभी जो है अभी ये हो गया है, अभी मैं बनाऊंगी सबसे पहले तो लंच, और लंच में बनेगी दाल और चावल। तो मैं बना लेती हूँ पहले लंच, और फिर आगे का जो भी रहेगा वो मैं करूँगी आपके साथ शेयर। और आज शाम के टाइम जो है ऊपर जो टैंकी है ना उसको साफ करने के लिए भी हमने बुलाया है प्लम्बर को, तो वो जो है उसको खोल के कैसे साफ करेगा वो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि पिछले साल जो है टैंकी साफ कराई थी। तो ये काम करवाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, टैंकी को मतलब अच्छे से साफ कराना, क्योंकि देखिए टैंकी अगर साफ सुथरी नहीं होगी तो आर ओ का कोई फायदा नहीं होगा। आर ओ लगाने का जो वो जल्दी फिर उनकी जो है चीजें खराब हो जाती है अगर आपकी टैंकी साफ ना हो तो। तो चलिए अभी बातें बहुत हो जाएंगी, पहले आप पहले मैं जाके किचन में लंच बना लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है आपसे शेयर करती हूँ। तो लंच करने के बाद जो है थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर जी ये भैया आ गए टैंकी साफ करने, तो फिर मैं भी आ गई थी साथ में छत पे। तो अभी जो है ये इसको ना ये सारा मतलब पाइपों से अलग करके ही फिर टैंकी को अच्छे से साफ करेंगे। तो ये जब तक भैया इसको खोल रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आसपास का प्यारा सा व्यू। और अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, 5:15 बजे का टाइम है। तो ये देखिए, वैसे ना आज जो है थोड़े बादल भी आ रहे हैं, शाम के टाइम शायद बारिश हो जाए। और ये सन वाला व्यू देखना आप, अभी कितना प्यारा जो है यहाँ पे लग रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ना काफ़ी हवा हुआ भी जो है चलना शुरू हो गई थी टैंकी को साफ़ करते करते ही, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश भी आ जाएगी, क्योंकि इधर उधर जो है थोड़े बहुत बादल भी दिख रहे थे। तो यहाँ पे जो है ना पाइप भी खुल गया था, वैसे टैंकी में ज़्यादा पानी तो नहीं था लेकिन थोड़ा था ही, शाम के टाइम की हमने टैंकी को नहीं भरा था, तो जितना भी था वो जो है इन्होंने इस तरीके से निकाल दिया। और फिर जो है पाइपों को अलग करके पहले पाइपों को साफ़ किया और फिर जो है टैंकी को साफ़ किया। तो पाइपों को तो देखा आपने इस तरीके से साफ़ कर दिया, लेकिन अभी टैंकी आप देखना कितने, सच में ही टैंकी की बहुत बुरे हाल थे। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना टाइम इसको साफ़ किए हो गया, लेकिन जबकि अंकल आंटी ने जो है जब भी हम पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम हम घर गए थे, उस टाइम ही इस अंकल ने ये साफ़ करवाई थी। लेकिन देखिए कितने बुरे हाल इसके हो गए थे टैंकी के अंदर से। और ना इतने अच्छा इन्होंने काम किया भैया ने, बहुत ही अच्छा मेरे को इनका काम लगा, इतने अच्छे से टैंकी साफ़ की। अभी आप लास्ट में देखना टैंकी को इतने अच्छे तरीके से मतलब चमका दिया कि इनका काम जो है बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने जो है टैंकी को साफ़ किया।
प्रॉपर, मतलब पाइपों को भी, और एक होता है ना कि बस टैंकी को ही अंदर से ही ऐसे ही धो लिया और वो साफ़ कर लिया, वैसे नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इन्होंने टैंकी को भी साफ़ किया और जितनी भी ये पाइप्स वगैरह खोली थी उनको भी अच्छे से साफ़ किया। डियर फ्रेंड्स, टैंकी जो है बहुत ही अच्छे से उन्होंने क्लीन कर दी है, जोड़ भी दी है पूरा, मतलब प्रॉपरली उन्होंने सफाई कर दी है। और अभी जो है वो चले भी गए हैं भैया, और काफ़ी टाइम उनको जो है लग गया था। मैंने सब 5:15 बजे हम मतलब वो आए थे, तो 6:30 उनको जो है यहीं पे हो गए थे। काफ़ी टाइम लगा के जो है उन्होंने टैंकी को साफ़ किया, और टैंकी सच में बहुत ही मतलब गंदी हुई थी, और लास्ट में जो है बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई है। और मैंने आपको दिखा भी दिया है पूरा कि उन्होंने कितने अच्छे से जो है काम किया। और चलिए अभी जो है बाहर काफ़ी हवा तूफान चल रहा है, और पहले तो फैन बंद करती हूँ, आपको इसकी आवाज़ आ रही होगी। तो बाहर ना कुछ कपड़े वगैरह पड़े हैं उनको उठा लेती हूँ, और फिर जो है खिड़कियाँ वगैरह बंद करनी पड़ी क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत ही ज़्यादा अंदर हो जाती है नहीं तो। और ना ये फ़ोन में कुछ मेरे प्रॉब्लम होने लगी है, कभी इसमें जो है बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है और कभी जो है इसमें कम हो जाती है। तो अभी फिर जो है पहले बाहर वाला काम निपटा के फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ मैं बाहर आ गई थी, बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और मौसम आप देखिए, वैसे तो अंधेरा ही है, देखेंगे क्या, पर थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा लाइटनिंग वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग वगैरह हो रही थी और बारिश भी हुई, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ना ठंडा सा जो है मौसम हो गया, काफ़ी लाइटनिंग हो रही थी। और यहाँ पे जो है बन रहा है आलू और न्यूट्री का पुलाव, तो यहाँ पे बेबो और प्रिंस आज कर रहे हैं कुकिंग, तो आज मम्मा के लिए जो है स्पेशल पुलाव बना रहे हैं ये लोग। तो अभी मैं जाती हूँ बाहर, और जब बनेगा ना तभी मैं आऊँ। तो यहाँ पे जो है यम्मी यम्मी सा जो है पुलाव बन के रेडी हो गया है, और जब बच्चे इस तरह से कुछ बनाते हैं ना तो उन्हें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, ताकि उन्हें अच्छा फील हो और उन्हें अच्छा लगे। तो अभी जो है डिनर हो गया है, और पुलाव सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था, और जैसे कि मैंने कहा बच्चों को जो है जब भी कोई काम करते तो उन्हें अप्रिशिएट करते तो उनको खुशी मिलती है, और वैसे भी बच्चों को थोड़ा बहुत काम जो है ज़रूर सिखाना चाहिए, वो उन्हीं के ही काम आता है। तो मैंने अपने बच्चों को जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है हर चीज़ सिखाई है, ताकि अगर कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है या उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरी पूरी तरह से हेल्प कर सकें। तो अभी रहता है रात का जो है स्किन केयर रूटीन, तो अभी मैं वो करूँगी, और फिर जो है व्लॉग की एंडिंग भी मैं यहीं पे कर दूँगी। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, तो उनको जो है लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हो इस चैनल में तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल के साथ कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको चैनल सर्च ना करना पड़े। तो आज तो सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा काम हो गया, हमारी जो है टैंकी साफ होगी, और नहीं तो टैंकी की जो हालात थे ना उसको देख के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जैसे जो जिस तरीके का जो कालापन जमा था ऐसा लगता जैसे हम जहर ही पी रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत होगी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।